दोस्तों, घर हो या कोई मॉल हो या फिर एयरपोर्ट, वहाँ वॉशरूम में हमेशा एक चीज कॉमन होती है और वो है व्हाइट टॉयलेट पेपर। आपने कहीं का भी वॉशरूम यूज किया हो, हर जगह आपको सफेद रंग का ही टॉयलेट पेपर देखने को मिला होगा। तो अब सवाल आता है कि टॉयलेट पेपर को व्हाइट कलर का ही क्यों बनाया जाता है, किसी और रंग का क्यों नहीं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, टॉयलेट पेपर सफेद होने के पीछे कई रीजन है। पहला रीजन है कि जब इसे बनाया जाता है तो इसे ब्लीच किया जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग सफेद हो जाता है। और अगर इसे कलरफुल बनाना हो तो इसे डाई करनी पड़ती है, और कलर करने के लिए कंपनी का खर्चा काफी ज्यादा हो सकता है, इसीलिए इसे बाजार में सफेद ही दिया जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि कंपनियां सिर्फ खर्चा बचाने के लिए ही इसे सफेद रंग का बनाती हैं, बल्कि कलर टॉयलेट पेपर को हेल्थ के हिसाब से भी सही नहीं माना जाता है, और व्हाइट पेपर को डिकम्पोज करना भी आसान होता है, इसीलिए इसे सफेद रंग का ही बनाया जाता है।